कहता है क्या? अरे चुप गया प्यार का काटा दिल में। अरे वाह भाई वाह। हाँ। चुप गया प्यार का काटा। सुनिए गाना आप लोग। चुप गया प्यार का काटा दिल में, जान हुई है अब मुश्किल में। मुझको तो प्यार मुझको तो प्यार वाह भाई वाह। क्या मुझको तो प्यार नहीं करना था, ए मुझको तो प्यार नहीं करना था, डूबे मौत नहीं मरना था। वाह भाई क्या बात है क्या बात है। क्या मुझको तो प्यार नहीं करना था, डूबे मौत नहीं मरना था, तो सारा कसूर है तेरा तेरा तेरा। के सारा कसूर है तेरा, तू मुझको पसंद आ गया क्योंकि इन्होंने सदरी पहन के रखी है। तो बेईमान प्यारे बड़ा जुल्म प्यारे, छोटी सी उम्र में है ये दर्द दिया रे। तो जिसका इलाज अरे जिसका इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे रोग वो लगा या। माननीय पूजने दादा श्री सतीश वर्मा दादा जी की तरफ से अनन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं मुझे और मेरे सामंडल को। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा जी का, कोट सनवन बंधन है दादा जी को। दादाजी आदरणीय पदम दादाजी गीत को सुनिएगा एवं समस्त जनता जनार्दन गीत को सुनिएगा। अरे सागर के उस पार था जाना, चलो भाई Thank you.
भोलेनाथ का ओरिजिनल वाला डमरू। इसको सीखो नारायण भाई, आप वास्तव में टापर हो होगे, छोटा टुकड़ा लगाओ। लड़का उधर छोटा है इसीलिए सागर के उस पार है जाना, तो शुरू कर दिया सेतु बनाना। लाइन खुल के आएगी उसको देखिएगा दादाजी, समझ लेना फिर लिखना। बंदर भालू, अरे बंदर भालू करे सेवकाई, जिम्मेदारी सबने निभाई। तो नल नील के द्वारा प्रयास है सारा, नल नील है बोले बस नाम हमारा। हम तो कुछ भी नहीं है, ये प्रयास किसका है? नल नील कह रहे हैं क्या कि नल नील के द्वारा प्रयास है सारा। तो नल नील ने क्या कहा? नल नील है बोले बस नाम हमारा, कि अपना प्रयास नहीं कोई। अरे वाह भाई, अपना प्रयास नहीं कोई, प्रताप सारा राम जी का है। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। औका कि अपना प्रयास नहीं कोई, प्रताप सारा राम जी का है। तो अरे मुझको निमित्र, अरे मुझको निमित्त मात्र समझो, ये काम सारा राम जी का है। दूसरी बात देखिए, सुनिए, वही पल कि करने को प्रभु की सेवकाई। चलो भाई, ये है नारायण भाई। प्रभु की सेवकाई, एक गिलहरी भी थी आई। परेशान मत हो, एक गिलहरी वहां पर आई जब पुल का निर्माण हो रहा था। बालू लिपेट 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 कर जाती है, बालू छिड़कती है कि मैं भी तुम्हारे कार्य में जुटी हुई हूं। कुछ बालू के कण ला पाती, प्रभु का रज में हाथ बटाती। प्रभु का रज में हाथ बटाते, प्रभु का रज में हाथ बटाते। सम्मानीय दादाश्री, हृदयांजलि समारोह में, श्रद्धांजलि समारोह में सप्रेम भेंट 51 पद मुद्राओं का है। डॉक्टर एस के निराला कीर्तनकार लखनऊ, जिनके ज्ञान गुरु हैं आदरणीय सम्मानीय श्री अमर खलीफ लखनवी दादाजी, आपको प्रणाम है एवं गुरु जी को सत्संग नमन वंदन है। आदरणीय स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, रामपुर राम जानकी कुटी, आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं एवं आर्य और चंदन परिवार को सहयोग राशि के रूप में
501 प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट समर्पण वंदन है आपका। क्या बात है। सम्मानीय दादा श्री इंद्रजीत सिंह प्रधान, आप गोंडा से हैं, आपकी तरफ से 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अरे वाह, प्रधान जी को सादर नमन वंदन। हाँ यही है, वाह भाई वाह। ये पुनः पुरस्कार आया है मान सरोवर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सानिध्य में आयोजित शानदार जवाबी कीर्तन प्रतियोगिता, जिसमें पार्टी हैं पूजनीय दादा श्री लालमन चंचल कानपुर उत्तर प्रदेश, एवं सम्मानिया सुरश्री नीलम विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। दिनांक 26 अप्रैल 2023 23 दिन बुधवार, स्थान है मान सरोवर मार्केट बदनाम लड्डू के पीछे। अरे वाह भाई, बारा बिरवा लखनऊ। आप सभी पहुँचे, कीर्तन का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तरफ से, 201 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय हो। आजकल का ये सामान्य दादा श्री बालाजी हॉस्पिटल, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं। बजाज एजेंसी के सामने नई बाजार कालू खेड़ा उन्नाव, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, कोट समर्पण वंदन है। एक बार हमारे गोंडा से जो पधारे हैं, हमारे देवी पाटन मंडल से जो पधारे हैं, उनके सानिध्य में जोरदार ताली आप सभी लगा दें। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, कुछ लोग लखनऊ से करने को प्रभु की सेवकाई। अरे एक गिलहरी भी थी आई, कुछ बालू के कड़ला पाती, प्रभु का रज में हाथ बटाती। तो सहयोग किया रे, क्या प्रयोग किया रे, सहयोग किया रे, क्या प्रयोग किया रे, तू धन्य की लहरी। उस राम ने उसकी सेवकाई देखकर, तू धन्य की लहरी, श्रम समय दिया रे। एक एक शब्द समझ में आएंगे आप लोगों को। तू धन्य की लहरी, श्रम समय दिया रे। गिलहरी क्या कहती है, क्या कि बोली गिलहरी, मैं अभागन, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जो मुझसे बन पा रहा है मैं वही कर पा रही हूँ। क्या भाव, क्या भाव है। बोली गिलहरी, मैं अभागन, प्रभाव सारा राम जी का है, और अपना प्रयास नहीं कोई, प्रताप सारा राम जी का है। ये गुरुवर अमर कीर्तन घराना कोषाध्यक्ष किशन लखनवी भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, लगे रहो। अंतिम टुकड़ा दे रहा हूं कि लंका में इस काम की चर्चा लक्ष्मण और श्री राम की चर्चा। इसको भी सीखो, कम समय अच्छा काम। अपना नारायण कि लंका में इस काम की चर्चा लक्ष्मण और श्री राम की चर्चा, बस दोनों की, अरे बस दोनों के नाम की चर्चा, और रावण से संग्राम की चर्चा।
रावण ने कहा ये पत्थर, अरे ये पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूँ, ये पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूँ। तो जन जन चकराया जब रावण आया। आदरणीय राजकमल दादाजी गुरु की कमल कलम से है कि जन जन चकराया जब रावण आया, अचरज है दिखाया पत्थर तैराया। मंदोदरी ने पूछा अरे आपने पत्थर कैसे तैराए, कैसे आपने पत्थर कैसे तैराए। रावण बताता है, सुनो, रावण कहता है रावण कि जन जन चकराए जब रावण आया, तो अचरज है दिखाया पत्थर तैराया। तो मंदोदरी बोली अरे वाह प्यारे चमत्कार किया रे, क्या जवाब दिया रे। ये चमत्कार कैसे किया, कैसे रावण कह रहा है कि बोला लंका पति सुनो रानी। रावण ने कहा बोला लंका पति सुनो रानी, मुझको भी सहारा राम जी कहे। ये पत्थर मैंने भी राम का नाम लेकर के छोड़ा था। तालियों की गड़गड़ाहट सुनो, ये मैंने जो पत्थर तैराए उसमें भी मैंने राम का नाम लेकर के पत्थर छोड़ा तो पत्थर तैरे। अरे वाह। कि बोला लंका पति सुनो रानी, मुझको भी सहारा राम जी कहे। अपना प्रयास, रावण कहता है मंदोदरी से, अपना प्रयास नहीं कोई प्रताप सारा राम जी कहे। क्या बात है, सिंधु तरे पासान ते मति जो ते मति मंद जे राम तजी, अजहि जाई प्रभु आन। तो अपना प्रयास नहीं कोई प्रताप सारा राम जी कहे। पूरे मंडल को पुरस्कार प्राप्त है और 201 पत्र मुद्राएं मुझे भी प्राप्त है। भैया अखिलेश बैरागी जी की तरफ से जय हो। बहुत सुरीले कलाकार हैं और हमारे भाई हैं, हम सुनते रहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है। आओका। आओका। कल हम नहीं पहुंचे इसका एक विशिष्ट कारण था जिसको हमने भैया अजय भैया जी से वीनू दादा जी से बताया भी था। तो अपना प्रयास नहीं कोई प्रताप सारा राम जी कहे, राम जी कहे, राम जी कहे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। साहू जी के ऊपर इन लोगों ने उंगली उठा दी है। अरे राम राम। बहुत बढ़िया हमारे जनबान भैया गाते हैं, बढ़िया। हमारे परम सदे दादा महेंद्र अवस्थी जी आपको भी नमन कर रहा हूं। आप आए बाहर आई, आप बड़ी मदद हमारी करते हैं। हमारे परम सदे मिश्रा जी बढ़िया जवाब आपने दिया है, बढ़िया। अब जब यहाँ पे कीर्तनकार बैठे हैं हम बच्चे क्या ही गा सकते हैं, ऐसे धुरंधर रचनाकार बैठे हैं। चंदवान भैया सच मानिए
यहाँ ऐसे ऐसे महान हस्तियां बैठी हैं जिनकी एक एक लाइन का जवाब कोई नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रयास किया, अच्छा किया, जो बात हमको कहनी चाहिए थी वो यहाँ की जनता ने कह दी। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि ये क्षेत्र कैसा है। फालतू नहीं बोला जाता, गाते आप अच्छा है, सेनापति के रूप में आप ठीक हैं, लेकिन सेना आपकी थोड़ी कमजोर है। कमजोर नहीं, चुटाइल है। ये बात सही है। आपने कहा सचदेवा जी जो आपने लगाया है वो मैं जान गया हूं। मैं सच मानो आप जान ही नहीं पाए। बिल्कुल। अगर आप जान जाते तो ऐसी गलती ना करते। बेटा शक्तिहीन हाथों में खेले थे। साहू जी लगा दो लड़का अपने। शक्तिहीन हाथों में खेले थे, हर ओर मेले थे, बड़े झमेले थे, अरे हम थे अकेले। इस लाइन को सुनो। शक्तिहीन हाथों में खेले थे, बड़े झमेले थे, हर ओर मेले थे, अरे हम थे अकेले। अरे देख महकते गुलाब बेले थे, देख महकते गुलाब बेले थे, बेले अल बेले थे। अच्छा हमारे मिश्रा जी रे, अब क्या मिश्रा जी आपने कैसे सोचे हम पहचानेंगे नहीं। लेकिन मिश्रा जी बड़ा सस्ते में निपटे जा रहे हो। ये बात है, अभी और देंगे, अभी और। बहुत हमारे परम सदे मिश्रा जी जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं और कई पार्टियों को आपने उठाया है और हम बच्चों पर भी कृपा दृष्टि आप बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ और 151 रुपए का आशीर्वाद आए मैं चाहता हूँ। जोरदार तालियां आप लोग बजावे। चंद्रवाल भैया सिर्फ 30 चीजें। देखे महकते गुलाब बेले थे, बेले अल बेले थे, छिपे बिसेले थे, दुख अरे दुख द्वंद झेले, महके मधुर बैने, अरे महके मधुर बैने, कहली पहिया हमारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, जय हो तुम्हारी। ये हमारे परम सदे दादा भाई दादा महेंद्र अवस्थी जी, लेकिन अभी इसमें थोड़े कम हैं, ये बराबर का सौदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपका जो आशीर्वाद मिल जाए सब ठीक है। सादर प्रणाम कर रहा हूँ। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, मैं दादा को प्रणाम कर रहा हूँ। एक महान भाव हमारे पास आए, अभी थोड़ी थोड़ी चल रही लेकिन सुबह तक ठीक हो जाएगी। हमारे बगल में आया, कान में कहने लगे क्या, और सत मानो चंद्रवान भैया जो उन्होंने बताया लाख गुना जवाब अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, कि कमल की कलम का, कमल की कलम का नहीं कोई सानी, कमल की कलम का नहीं कोई सानी, जय हो जवाहर, जय हो तूफानी। ये है, जय हो, इसे आना चाहिए। आओ आओ पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ, नोट बड़े लेके आओ। जय हो जवाहर, जय हो जय हो जवाहर, जय हो तूफानी। हमारे परम सदे
दादा हमारे आदरणीय श्री सतीश वर्मा जी लखनऊ, अनेकों पुरस्कार हम बच्चों के लिए आए हैं, हमारे पूरे मंडल के लिए आपने अनेकों पुरस्कार दिए हैं, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। अरे वाह साहू जी वाह, मैं तो ये लगा बताओ साहू जी के लिए इसने उंगली उठा दी। हां मगर साहू जी को आपने गलत बदनाम कर दिया। अरे राम राम, साहू जी का हम लोग नाम जहाँ साउंड लगता नहीं वहां ले लेते हैं। और क्या, वहां नाम ले लेते हैं लोग, भले किसी आ जाए तभी साहू जी हम लोग पर मेहरबान है। और क्या, हम लोग वो बेचारे उंगली रख नहीं पाए थे पहले के साहू जी देखे रही। अरे हम लोग मून साउंड में गाते तब भी साहू जी से पैसा ले लेते। अब ये बताइए आप करो साहू जी देखते रहना, बताओ साहू जी आपका देखे कि बटन का देखे, बताओ इतने नीक नहीं बने तो तुमका देखे रहे। लेकिन ठीक है, बढ़िया आपका जवाब है यार, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ। अब जैसे भी हो वो तो हमारे बड़े भाई, बिल्कुल भाई को कुछ नहीं दादा, ओ तुम्हारे बड़े भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। ना ना कोई गलती नहीं, इसमें जो आपके साथ लिख रहे हैं जानकी जी, जटिल जी, बहुत जटिल समस्या है जानकी भैया। ले बेटा उठ, अब उन्होंने कह दिया ले बेचारे वेटिंग में लगे हैं। हाँ हाँ आइए आइए, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से हमारे भाई दादा पप्पू शर्मा जी, बड़े भैया हमारे राकेश वर्मा जी एवं हमारे संजय भैया ऑप्टिकल और हमारे भैया श्री पप्पू भैया संधाना। आइए आइए दादा, आपका स्वागत है। और हमारे केशव साउंड सर्विस, आइए आपका स्वागत है भैया। बढ़िया आपने जवाब दिया है, अब आपने एक लाइन जोड़ दी, तिरस्कार सहकर भी हिम्मत ना हारी। चंदवान जी आपने कहा मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैंने उनको देखा नहीं है, हाँ हम तो उनके साथ बैठक रहा। हम तो दादा लोगों के साथ बगल में बैठते थे, हम पैदा हो चुके थे, ये हमका 80 साल का समझ रहे। कितनी हल्की बात है चंदमान जी, मैंने उनको महसूस किया है, देखा नहीं लेकिन महसूस किया है, जो ओहदा जो रुतबा जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मस्ताना जी क्या आपको लगता है किसी की हिम्मत है जो तिरस्कार कर लेता, ये बात किसी की हिम्मत नहीं थी जो एक शब्द बोल लेता। पदम दादा, हमारे गुरु जी ने बताया कि दादा हरि किशन जी गाते रहे, दादा हरि किशन जी गाते रहे और जवाहर जिद्दी जी 12 एक बजे रात को पहुंचे, 12 एक बजे 3 बजे रात को पहुंचे, और पब्लिक ने फिर भी कहा ये महाराज स्वागत है। और क्या, अभी तुम 1:15 लेट हो जाओ, पेमेंट लोग काट देते हैं। अरे वो रुतबा उन्होंने हासिल किया, जो वो सुनाएंगे पब्लिक वो सुनती थी, पब्लिक जमकर बैठती थी, आपको तिरस्कार कर दिया। एक लाइन में दे रहा हूँ, अरे तिरस्कार करने की अरे ना है इतनी हिम्मत, अरे ना है इतनी हिम्मत, अरे हमारी तुम्हारी अगर हो हिम्मत तो बताओ, अरे ना थी इतनी हिम्मत और ना है इतनी हिम्मत हमारी तुम्हारी। कभी सच्चे वो सच्ची कह रहा हूँ, अरे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे, जय हो अरे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। आओ भैया आओ, दिनेश भैया आइए आइए, हम बिल्कुल पहचान लेते दिनेश भैया। चंदमान भाई यहाँ जितनी पब्लिक बैठी है मैं चाहता हूँ ये पब्लिक रुकी रहे, बिल्कुल जाने का प्रयास इनका ना हो पावे, ये हम दोनों कलाकारों का दायित्व तो है। आइए, बहुत बढ़िया सा गीत भी आया है और हमारे नीचे से भाई साहब भी कह रहे हैं वाह आपकी उंगलियों में कितना जादू है, क्या हारमोनियम में उंगली थिरकाते हो, कारण यही तारीफ ज्यादा कर दी। ये बात सही,
बाजे में टून कराने वाला है। तारीफ आपने ज्यादा कर दी इसलिए उंगलियां आई और कहीं थिरकने लगी और गाना और कहीं होने लगा। आज ढोलक मार्टर बहुत कमजोर लगी। लेकिन चंदवान भाई एक बात आपको बताएं, बुरा मत मानना, जो आप हारमोनियम लाए मेरे पास भी ऐसी हारमोनियम है। ये बात सही है, इसमें वो मिजाज नहीं बनता। ना ना ना, ये भजन वाली हारमोनियम है, ये कीर्तन वाली है। ये कलर नहीं बजवा कीर्तन वाला। ये हारमोनियम बढ़िया है, ठीक है, ये लेकिन ये कीर्तन में आपको ताकत आपकी नहीं लग पाएगी। बिल्कुल, जो आप मेहनत करना चाहेंगे वो हो नहीं पाएगी। सही, ठीक है, अब बढ़िया है, इसमें पैसा तो आ ही रहा है। ओके, ले रहा हूँ सारे का है। आइए, गाना आया है, आया है। होता क्या है, चुप गया प्यार का काटा दिल में, जान तो मेरी है मुश्किल में। देख ले एक बार, जहां कहीं भी हो, और ढोलक मास्टर भी ध्यान दे, इसके साथ एक कंघी भी नहीं दे। अच्छा हुआ आपने हमारे पर पहले फूल नहीं डाला, अगर पहले फूल डालते तो हम पक्का फूल जाते और हमसे गलतियां हो जाती। बेटा ज्यादा ना फूल ना, आवाज में गड़बड़ हो जाएगी। हमारे परसद अशोक त्रिवेदी जी, आप तरफ से ये 200 रुपए का आशीर्वाद और ये पुष्प वर्षा, और आप के मंच पर हमको सेवा करने का मौका भी मिला, बहुत शानदार गुरुतुल स्वर्गीय दादा हरि किशन जी की पुण्य सदी में कार्यक्रम होता है। और अशोक भैया सत मानिए, ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और परम सदे हमारे भैया हरि ओम अमर जी, प्रथम दिन के आप भी कलाकार रहे, वहां के नमन कर रहा हूँ। आपने कहा है आपकी आलाप पर ये 200 रुपए का आशीर्वाद, तो लाइन कह रही है क्या? इसे बजाना ढोलक। चुप गया प्यार को काटा दिल में, जाने तो मेरी है मुश्किल मुझको। जिसका 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 इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मैनू रोगी वो लगा। जिसका इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मैनू रोगी वो लगा।
और क्या चंदन भाई, तुम लोग कोरस तक नहीं करा पा रहे हो। एक छोटे होने के नाते एक बात और कह दे रहा हूँ, अगर ये परिवार हम लोगों पर मेहरबान है तो इतना तो बनाए रखो। जब आपको पता था ये कार्यक्रम 13 तारीख को होना है तो थोड़ी तैयारी ठीक से कर लेते। बिल्कुल, बगल में रहते हमारे राजकमल दादा, उन्हें ही संपर्क कर लेते। और क्या, अभी तो वो जवान है और आपके साथ वो चल भी सकते। कोरस वाले बदल के लाना चाहिए। लेकिन ठीक है, प्रयास आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया। अरे जिसका इलाज अब आप कह रहे हैं, सारा कसूर है तेरा, यानी फिल्मी लाइन को भी आपने बदल दिया। सारा कसूर है तेरा जो मुझको पसंद आ गया। अब जब आपने लाइन बदली ही थी, मेरा को तुमने जब 13 किया ही था तो आगे की लाइन और बदल लेते। और क्या, लेकिन वो कला किन्हीं कलाकारों में आती है। ये बात सही है अशोक भैया, बिल्कुल वैसे मंडल में बदलाव होना चाहिए। दोबारा सुनना, गाना तुम्हारा सजा हम लोग रहे। बढ़िया आपका गीत है, ऐसा ही समय ले रहे हो जौवा। अरे अपना प्रयास नहीं कोई, ये प्रताप सारा राम जी का है। अब आपने सोचा कि गाना तो गलत जा रहा है, नीचे से लोगों की बातें भी आ रही हैं, तो आपने एक दिमाग लगाया, बोला ये गुरु की कलम से। हमका इतना तो पता है गुरु कलम से कहा आ सकता है। ओका, हम लोग ज्यादा थोड़े जानते हैं आप लोग। ये गुरु की कलम से नहीं है। चंदवान भैया मानो चाहे ना मानो, एका घर मत तुम ही घोड़े हो। भाई जी मानो चाहे ना मानो, ये गुरु जी का नहीं हो सकता। एका घर में तुम ही बनाए हो, अब वो बन नहीं पावा अलग की बात है। ये बात सही है, ठीक है, तुम्हारी चक्रोट नापे हो। बढ़िया आपका गीत है, आपने बात तो बनाई, लेकिन आपको पता नहीं है यहाँ इतने विद्वान लोग बैठे, उनको पता है गुरु जी का लिख सकते हैं। गुरु जी लाते तो अच्छी लाइन लाते। और क्या, ठीक, बहुत जटिल समस्या बेटा यार। अब जानकी जी बगल में बैठी है, अरे बैठे मतलब, अच्छा अच्छा क्षमा चाहिए उनको, तो ठीक है लाए, उनका कुछ ना कोने तो गुस्सा आ जाएंगे। आइए जवाब सुनेगा, बताओ साहू जी के ऊपर उंगली उठा दिया इस बच्चे ने। अब जवाब सुनेगा परम सत्यवस्ती जी, अब आपने कहा कि प्रताप सारा राम जी का है, शायद आपको पता नहीं पत्थर तैराए गए, राम जी चुपचाप एक पत्थर उठाते हैं। अगर प्रताप राम जी में होता तो चंद्रहान भैया जो जो पत्थर प्रभु राम ने छोड़ा उसको तैरना चाहिए था। यह बात समझो, उसको तैरना चाहिए था। बेटा सुनो, और आप जहां आप बात कर रहे हैं, हालांकि आप जवाब काटने का प्रयास करने लगे लेकिन कर नहीं पाए, आ जाएगी कभी कभी, सब कलाएं आने लगती धीरे धीरे, जब ज्यादा कार्यक्रम हो तो आने लगती। ये बात सही, ढोलक मास्टर को काली टी शर्ट पहनने नहीं चाहिए पहली बार, वो भी ऐसे कार्यक्रम में। अब आपने कहा कि रावण ने पत्थर डाला और मंदोदरी से कहने लगा प्रताप सारा राम जी का है। अब मैं कह दूं अगर नहीं कहा, बिल्कुल चंदन भैया नहीं कहा, नहीं कहा, वहां राक्षस अकुलाने लगे कि वहां प्रभु राम नाम जब पत्थर तैर रहे हैं और आप प्रभु कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रावण ने सोचा कि ये सारी सेना भटक रही है, इनका तारण कैसे होगा। एक पत्थर उठाया
रावण ने कहा तुमको राम की सौगंध है, चाहे जितना शुद्धिकरण को लेकर हुई ना भाई, गलती हुई गई तो हुई गई, राम जी की सौगंध है और ये भेद कोई जान नहीं सका। ये बात सही, आपकी गलती गलता लग चुका है, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ रावण ही जाना। अब आप बता रहे हो कि मंदोदरी से कही रहा है रावण, अरे ऐसी छोटी छोटी बातें रावण मंदोदरी से नहीं कहता था पदम दादा, आदरणीय, ऐसी छोटी छोटी बातें वो पत्नी से अपनी नहीं कहता था, ज्यादा भेद वो नारी को नहीं देता था। ये बात सही है, आपको बतावे वाली बात, भेद देने से नारी बिगड़ जाती है। हाँ। लेकिन ठीक है, अब आपने बढ़िया दिया, लाओ भैया कॉपी लाओ, आप जवाब सुनेगा। सचदेवा सारथी कह रहे हैं क्या, एक नल नील जब पाहन पाए तैराने की युक्ति लगाए, सागर पर है सेतु बनाए। तो जनवान भैया सचदेवा सारथी कह रहे हैं क्या, जो कार्य किया रे आधार लिया रे, जो कार्य किया उसका आधार सोचिए क्या लिया, जो कार्य किया रे आधार लिया रे, सागर पे सेतु तबे तैयार किया रे। तो भाई जी लाइन लिखो, लिखो भैया लिखो, सागर पे सेतु की रचना, सागर पे सेतु की रचना, प्रयास बड़े काम का है, ये प्रयास बड़े काम का है, और इसमें प्रताप ना किसी का, रामों का नहीं है, इसमें प्रताप ना किसी का, अरे प्रताप सारा नाम का है। बात है, वाह बहुत बहुत धन्यवाद, आओ दादा इसको कहते हैं जवाब, अरे वाह रे प्रधान जी महाराज, वाह वाह प्रधान जी वाह, केवल केवल हम लोग का मुंह ताको, केवल तुम गुरु जी थोड़ा वो बीच में खड़े हो जाओ, ये बात सही है, वाह क्या लिख दिया गुरु, वाह एक बार मारे दादा, ले जोरदार तालियां बजा दें, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, और हमारे परम सदे बड़ी दूर से चलकर आए माए दादा परम सदे इंद्रजीत प्रधान जी, और मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा, ये कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मैं भी यूज बेटा एक बार देख लो, देख ले हमारे दादा पंकज सैलानी जी, आप से एक पुष्पमाल, एक रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए, और एक रुपए का आशीर्वाद हमारे रचना का दादा परम सदे राजा राम सौरिया जी के लिए, सादर प्रणाम कर रहा हूँ हमारे परम सदे प्रधान जी, जो कि गोंडा से चलकर आए हैं, और बहुत बहुत विशाल कार्यक्रम आपके माध्यम से होता है, और इस बार दूसरी बार आपने हमको मौका दिया है, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, ये 500 रुपए का आशीर्वाद आपकी तरफ से हमारे लिए, और 100-100 रुपए हमारे सभी मंडल के लिए आए हैं, सादर नमन वंदन कर रहा हूँ, और हमारे कीर्तन जगत की शान परम सत्य दादा हमारे पदम जी, जिनकी कई रचनाएं सचदेवा सारथी गाता है,
आपके माध्यम से एक पुष्पमाल हमारे दादा प्रसाद सबजिया जी के लिए, यानी माला उनके लिए, माल हमारे लिए, अच्छा उनको भी दिया। एक रुमाल मिल जाते तो हमारे लिए हो जाती। अच्छा उनको भी मिला है। अरे वाह, आज गुरु की तिजोरी भर जाएगी, पक्का पक्का भर जाएगी। मारे अभी जिनका नाम रह गया मैं सबको बोल दूंगा, समय को देखते हुए सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरी अंतरा को सुनेगा। ए उल्टा नाम गुड़ गाने किए हैं, हाँ भला नहीं चाहिए।